सौ ने मार साहेब परम गुरु पाठशाला सत केवल विद्या मंदिर गुजराती मध्यम संकुल सारसा। काजल हिंगू आप विद्यार्थियों विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण कार्य पद्धति में स्वागत करू छू मैं काजल हिंगू कक्षा चार विषय हिंदी इकाई चार बर्तन और धान्य आदि तो विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको अगले वीडियो में यानी इकाई तीन शरीर के अंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया था तो आपने पुस्तक में और नोटबुक में लिख लिया होगा है ना ओके तो आपको आज मैं इकाई चार बर्तन धान्य आदि वस्तुओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी और समझाऊंगी हिंदी में क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं ओके तो विद्यार्थी मित्रों आप सब पुस्तक लेकर बैठ जाइए ओके तो हम आगे पढ़ते हैं वस्तुओं के नाम पढ़िए विद्यार्थी मित्रों आपको मेरे साथ बोलना है ओके तो वस्तुओं के नाम है यहाँ क्या है वस्तुओं के आपको चित्र भी दिखाई दे रहे हो है ना? ओके तो आपको चित्र देखकर आपको बोलना है थाली ओके पहले चित्र कौन सा है थाली का तो थाली, थाली, यानी थाली जेमा अपने भोजन जमी छे सर्ण सी, सर्ण सी। તળસીયાની સાસી જેનાથી આપણે ગરમ વસ્તુ પકડી શકીએ છીએ કટોરી કટોરિયાની વાટકી જેમાં આપણે દાળ કઢી ખીર બધું આપણે એમાં જમીએ છીએ કટોરીયાની વાટકી ચકલા ચકલાયાની આડણી ચકલાયાની આડણી જેમાં આપણે રોટલી કરીએ છીએ યાની રોટલી વણીએ છીએ પતીલા પતીલા યાની તપેલું પતીલા યાની તપેલું બેલન બેલન યાની બેલણ ચમચ ચમચ યાની चमची चूला चूला यानी, चूलो प्याला प्याला यानी, प्यालो चाकू चाकू यानी चप्पू तो विद्यार्थी मित्रों आपने वस्तुओं के नाम पढ़े ओके तो हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं पढ़िए समझिए और लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों आपको सबसे पहले पढ़ना है समझना है फिर लिखना है और आपको पुस्तक में लिखना है और नोट डाउन भी करना है लेकिन सबके सबसे पहले आपको वस्तुओं के नाम भी लिखना है तो मैंने आपको पहले पढ़ाया ओके तो आप ये पढ़िए आटा आटा यानी लोट पानी पानी यानी पानी ચાવલ ચાવલયાની ચોખા દૂધ યાની દૂધ દાળ દાલ દાળ દહીં દહીંયાની દહીં ગુડ ગુડિયાની ગોળ નમક નમક મીઠું શક્કર સક્કરયાની સાકર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પડા तो हम फिर से बोले आटा यानी लोट पानी पानी यानी पानी चावल चावल यानी चोखा दूध दूध यानी दूध दाल तो दाल दही यानी दही गुड़ गुड़ यानी गोड़ नमक नमक यानी मीठू शक्कर शक्कर यानी साकर तो विद्यार्थी मित्रों आपने पढ़ा ना ओके okay. तो ये सब आप जानते ही हैं है ना कि नमक कोने के वाय दूध कोने के लोट कोने के वाय ओके okay. ये सब आपको पता है तो विद्यार्थी मित्रों हम अब स्वाध्य की ओर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है अनुलेखन कीजिए यानी आपको जो लिखा हुआ है वही आपको सुंदर अक्षर से लिखना है तो क्या है सबसे पहले गेहूँ क्या है गेहूँ ये सब आपके धान्य के नाम है ये सब क्या है अनाज के नाम है जो आपको याद रखना है कि हिंदी में क्या कहा जाता है ओके गेहूं यानी गहू मक्का मक्का यानी मकाई चावल चावल यानी चोखा चना चना यानी चना बाजरा बाजरा यानी बाजरी मटर मटर यानी वटाणा ओके तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये समझ में आया ना ओके हम फिर से बताते हैं गेहूँ तो गेहूँ ने गुजराती में शू कही घऊ मक्का यानी मकाई चावल चावल यानी चोखा चना चना यानी चना बाजरा बाजरा यानी बाजरी मटर मटर यानी वटाना, तो ओके विद्यार्थी मित्रों आपको ये सुंदर अक्षर से आपको लिखना है नोट में और पुस्तक में तो हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा है ओके गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखे तो अहियाँ तमें गुजराती में नाम लखेला है तो तमारे એનું હિન્દીમાં લખવાનું છે ઓકે ચી પીઓ ચી પીઓ જે આપણે ગરમ વસ્તુથી બચવા માટે આપણે ચીપિયાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ રોટલી શેકવામાં ઓકે પાપડ શેકવામાં તો એને ચીપિયાને હિન્દીમાં શું કહીશું આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કો આતા હૈ મેંને આપકો પહેલે પઢાયા હૈ ઓકે तो चिपियो यानी चिमटा चिपियो यानी चिमटा साकर साकर यानी सक्कर लोट लोट यानी आटा घऊ घऊ गेहूं प्याली प्याली यानी प्यालो सॉरी प्याली यानी प्याली वेलन वेलन यानी बेलन मिठू मिठू यानी नमक चोखा चोखा यानी चावल तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी लिखना है ओके हमारा प्रश्न अगला कौन सा है तीन वेरी गुड प्रत्येक तो चित्र के नीचे उसका हिंदी का नाम लिखे तो आपको ये चित्र दिए गए हैं ओके तो आपको ये चित्र जेरोक्स कर आपको नोट में चिपकाना है और इसके नीचे आपको इसका नाम हिंदी में लिखना है तो आपको आंसर भी दिए गए हैं तो इसमें से ढूंढकर आपको ये आंसर लिखना है तो प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए तो आंसर कौन कौन सा है प्याला है चाकू है कटोरी चम्मच सरसी या चकला ओके तो आप सबको ये चित्र चिपका कर आपको ये लिखना है ओके तो पहला क्या है मैंने आपको पहले भी सिखाया है क्या है इनमें से ढूंढिए आप ओके तो पहला कटोरी है क्या है कटोरी दूसरा चकला तीसरा चित्र कौन सा है सरसी का और चौथा चाकू पांचवा चित्र कौन सा है चम्मच का वेरी गुड और लास्ट छठा चित्र प्याला वेरी गुड तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी चित्र की जेरोस करवानी है और चिपका कर नोट डाउन करना है ओके तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये समझ में आ गया ना बर्तन और धान्य के बारे में ओके तो आपको ये सब याद करना है और लिखना है तो तब तक अस्तु सत केवल साहेब